आज हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर डिटरमिनेंट्स के नेक्स्ट फैक्टर में है मैकेनाइजेशन, यानी कृषि में यंत्रीकरण, यंत्रों का प्रयोग। भारत में जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ उस समय यह महसूस किया गया कि यदि कृषि को बृहद लेवल पे करना है तो उसके लिए मैकेनाइजेशन बहुत जरूरी है। इसी क्रम में सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR नामक एक संस्था है जिसने भारत का पहला ट्रैक्टर स्वराज ट्रैक्टर बनाया। इसके बाद इसी संस्था ने हार्वेस्टर, थ्रेसर, कटर ऐसे कई कृषि के इंस्ट्रूमेंट बनाए और धीरे धीरे बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज भी अनेक प्रकार के ट्रैक्टर और कृषि में उपयुक्त होने वाले उपकरणों का अब भारत में तेजी से निर्माण हो रहा है और इसके कारण अब कृषि में जो मैकेनाइजेशन है वो धीरे धीरे करके काफी मात्रा में बढ़ चुकी है। इसके अलावा एक सरकारी संस्था और है द फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, ये कई जगहों पर स्टेब्लिश किए गए हैं। एक मध्य प्रदेश के बुधनी में है, एक दूसरा हरियाणा के हिसार में है, तीसरा गारलाडिन आंध्र प्रदेश में है और चौथा विश्वनाथ चारीरी असम में। तो इतने जगहों पर ये इंस्टीट्यूट यहाँ पर लोकेटेड है जो कृषि में उपयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के नए नए उपकरणों की खोज करते रहते हैं ताकि कृषि परंपरागत रूप से हट करके यांत्रिक रूप को प्राप्त कर सके और किसानों के लिए निदाई, गड़ाई, बुनाई, कटाई और भी जो एग्रीकल्चर साइकिल में जितने प्रोसेस होते हैं उनके लिए तरह तरह के उपकरण बनाने का काम यहाँ पर किया जाता है। तो स्वाभाविक बात है जिस देश में मैकेनाइजेशन का लेवल जितना ज्यादा होगा वहां कृषि उतनी आसान होगी, उतनी फास्ट तरीके से कृषि को किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमारी जो अंतिम फैक्टर है एग्रीकल्चर डिटरमिनेंट्स में वो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। तो सबसे पहले तो सरकार ने इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 बनाया और उसमें सीड और फर्टिलाइजर को शामिल किया ताकि किसानों को सीड और फर्टिलाइजर काफी अच्छी कीमतों पर मिल सके। इसके अलावा पहली पंचवर्षीय योजना जो बनाई गई थी 1951 में से लेकर के 56 तक, तो उस पूरे पंचवर्षीय योजना में कृषि को केंद्र में रखा गया था। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि में भारत में कृषि का पर्याप्त मात्रा में विकास करना था। 1966 में हम लोग इसके पहले कल पढ़ चुके हैं हाई यील्ड वैरायटी सीड के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसी प्रोग्राम के लॉन्च करने के साथ भारत में पहली ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत मानी जाती है। फिर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना 2016 में शुरू किया गया, ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये सब एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट से जुड़े हुए सरकारी योजनाएं हैं, इनका डिटेल आपको देखना है। द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज है जिसमें 8 कार्यक्रम है उसके अंतर्गत ये एक कार्यक्रम है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द प्रोग्राम अंडर नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम फॉर इंडिया, ये भी एग्रीकल्चर सेक्टर में एक स्कीम है। पीएम आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण स्कीम वगैरह इसका ये है। और सबसे इम्पोर्टेंट है सरकारी योजना में वो है MSP, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो इनमें से इनको आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। MSP के बारे में हम लोग डिटेल से यहां पर बात करेंगे। MSP क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई। जब भी कभी किसी डेट के साथ एस लगा हो तो समझ लीजिए उस डिकेड की बात हो रही है। 1960 के दशक का मतलब है 1951 से लेकर के और एट द एंड ऑफ 1960। ठीक है, तो 1960 के दशक में सरकार ने एक योजना बनाई थी जिसका नाम था प्रोक्यूरमेंट प्राइस पॉलिसी। प्रोक्यूरमेंट माने होता है खरीद करना। इस पॉलिसी के अंतर्गत सरकार भारत में किसानों के उपज को एक निश्चित कीमत देकर के, जो कि बाजार कीमत से थोड़ी सी कम हुआ करती थी, लेकिन फिर भी अगर बाजार में किसानों का उत्पाद ना बिके
तो प्रोक्यूरमेंट प्राइस पर सरकार किसानों का वो माल खरीद लेती थी। 1965 में एमएसपी की शुरुआत हुई भारत में, और अब जब 1965 में एमएसपी की शुरुआत हो गई तो अब बाजार में कृषकों को अपने उत्पाद के तीन प्रकार के प्राइसेस अवेलेबल थे। एक, यदि वो बाजार में बेचे तो मार्केट प्राइस, यदि वो सरकार को बेचे और सरकार एक लेवल तक खरीदे उसके बाद खरीदना बंद कर दे तो उस प्राइस को बोलते हैं प्रोक्यूरमेंट प्राइस, और उस लेवल के बाद भी सरकार खरीदे लेकिन कम कीमत पर खरीदे तो उसको बोला जाता है एमएसपी। तो किसान को अपने उपज बेचने के लिए तीन प्राइसेस है, मार्केट प्राइस, प्रोक्यूरमेंट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब इनमें से कौन सबसे ज्यादा होता है और कौन सबसे कम, ये मैंने क्रम में लिख दिया है, हाई टू लो। मार्केट प्राइस सबसे ज्यादा, उसके बाद प्रोक्यूरमेंट प्राइस, और सबसे कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। इज इट क्लियर? अब प्रोक्यूरमेंट प्राइस पे मान लीजिए मैं एक फार्मर हूं और मैंने 100 क्विंटल गेहूं उगाया, मैंने 50 क्विंटल गेहूं तो बाजार में बेच दिया। अब जब मैं बाजार में बेचूंगा तो मुझे मार्केट प्राइस मिलेगा, लेकिन अब मैं बाकी गेहूं बाजार में मेरा नहीं बिक रहा है या बिक रहा है बहुत कम दाम पे बिक रहा है, तो मैं बाकी का जो गेहूं है वो सरकार को बेचना चाहता हूं। अब सरकार प्रोक्यूरमेंट प्राइस पर उतना ही राशन खरीदती है जितना उसके बफर स्टॉक के लिए जरूरी है, अप टू अ लेवल ऑफ बफर स्टॉक। तो प्रोक्यूरमेंट प्राइस पर सरकार उतनी ही अनाज किसानों से खरीदेगी जिससे सरकार का बफर स्टॉक पूरा हो जाए। बफर स्टॉक का मतलब होता है सरकार एक निश्चित मात्रा में अनाज जमा करती है जिसको बाद में वो पीडीएस के माध्यम से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से वापस जनता में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो बफर स्टॉक जैसे ही सरकार का पहुंचा, सरकार अब प्रोक्यूरमेंट प्राइस पर अनाज खरीदना बंद कर देगी और अब सरकार किसानों से अनाज खरीदेगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, जो कि प्रोक्यूरमेंट प्राइस से कम होता है। मेरी बात समझ में आ गई? चलिए एक बार मैं फिर से इसको समझाता हूं। मान लीजिए मैं फार्मर हूं, मैंने 100 क्विंटल गेहूं उत्पादन किया, 50 क्विंटल मैंने मार्केट में बेच दिया, उससे मुझे मार्केट प्राइस मिला, ये मार्केट प्राइस सबसे हाई होगा। उसके बाद अब बाजार मंदा हो चुका है या बाजार में बहुत कम कीमत पर मेरा प्रोडक्ट मांगा जा रहा है, तो अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं सरकार को बेचूं। अब मैं 50 क्विंटल गेहूं लेकर सरकार के पास गया, सरकार ने कहा कि हमारा बफर स्टॉक कंप्लीट होने की स्थिति में है और हम आपसे केवल 25 क्विंटल गेहूं ही खरीद सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा खरीदेंगे तो हमारा बफर स्टॉक ज्यादा हो जाएगा। तो सरकार समय समय पर तय कर देती है कि तब तक वो किसानों से खरीदती रहती है जब तक प्रोक्यूरमेंट, जब तक उसका बफर स्टॉक कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे ही बफर स्टॉक कंप्लीट हुआ, सरकार अब प्रोक्यूरमेंट प्राइस पर नहीं खरीदेगी बल्कि अब एमएसपी पर खरीदेगी। तो जैसे ही मैं सरकार के पास गया तो सरकार ने कहा भाई हमारा बफर स्टॉक लगभग पूरा होने वाला है, फिर भी हम 25 क्विंटल आपका माल प्रोक्यूरमेंट प्राइस पर खरीद लेंगे और बाकी का 25 क्विंटल आपको एमएसपी के प्राइस पर देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो ये तीनों में क्या संबंध है, मार्केट प्राइस, प्रोक्यूरमेंट प्राइस और मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये आपको यहां पर समझना है। 1990 में सरकार ने ये तो अलग अलग प्राइसेस खत्म कर दिए और प्रोक्यूरमेंट प्राइस को ही एमएसपी प्राइस मान लिया, यानी अब ये दो अलग अलग कीमत खत्म हो गई। अब सरकार केवल एक कीमत पर आपसे खरीदेगी, वो है एमएसपी, और जो बफर स्टॉक वाली कंडीशन थी वो भी खत्म हो गई, यानी सरकार का बफर स्टॉक कंप्लीट हो गया हो तो भी वो आपसे एमएसपी की कीमत पर ही खरीदेगी, उससे ज्यादा हो गया हो तो भी खरीदेगी, उससे कम हो गया हो तो भी एमएसपी पर खरीदेगी। अब प्रोक्यूरमेंट प्राइस नाम की कोई चीज सरकारी योजना में शामिल नहीं है, लेकिन 1990 तक ये पॉलिसी सरकार ने चलाई। अब शुरू में जब एमएसपी डिक्लेयर किया जाता था तो बिगिनिंग में एमएसपी वाज रीजनली वेरिएबल, रीजनली वेरिएबल का मतलब हर राज्य में एमएसपी अलग अलग हुआ करता था। जैसे मान लीजिए मैं गेहूं का उत्पादक हूं, मैं मध्य प्रदेश में बैठा गेहूं का उत्पादन कर रहा हूं, कोई दूसरा राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, तो हर राज्यों में गेहूं का एमएसपी अलग अलग हुआ करता था। इसके पीछे कारण यह था कि हर राज्य में जो गेहूं उत्पादित करने के लिए इनपुट है वो वैरी करती थी। हो सकता है आंध्र प्रदेश में गेहूं के बीज सस्ते मिल रहे हो, वहां मजदूर सस्ते मिल रहे हो, वहां मैकेनाइजेशन सस्ता हो, वहां बिजली में सब्सिडी ज्यादा हो, तो इन तमाम कारणों से एमएसपी भी हर राज्य में अलग अलग हुआ करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे
आगे चलकर 1990 में ही जब पीपी को एमएसपी के बराबर किया गया, उसी समय ये जो वेरिएबल सिस्टम था एमएसपी का उसको भी खत्म कर दिया गया और निश्चित किया गया कि भले ही अलग अलग राज्यों में इनपुट कॉस्ट कितना भी डिफरेंट क्यों ना हो, अब पूरे भारत के लिए गेहूं का एक ही एमएसपी होगा। तो ये यहां पर एमएसपी ये कहानी आपको समझ आएगी। अब डिटरमिनेशन का मतलब ये है कि अब हम एग्रीकल्चर में जो एमएसपी तय करते हैं उसको तय करने के लिए कौन कौन सी जो इंस्टीट्यूट है, कौन कौन सी एजेंसी है, कौन उसको तय करता है। तो एक समिति है जिसका नाम एक मतलब सरकारी संस्था है जिसका नाम था एग्रीकल्चरल प्रोक्यूरमेंट कमीशन APC। बाद में इसी का नाम बदल करके रख दिया गया कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। बात समझ आ गई, इनके फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। यह था एग्रीकल्चरल प्रोक्यूरमेंट कमीशन। पहले यह नाम हुआ करता था जब प्रोक्यूरमेंट प्राइस चला करती थी, लेकिन 1990 में प्रोक्यूरमेंट प्राइस को खत्म कर दिया तो उसका नाम भी बदल दिया गया और उस संस्था का नाम बदल के रख दिया गया कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस CACP। और ये जो संस्था है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत काम करती है। इसकी जिम्मेदारी क्या है, इट सजेस्ट MSP। ये क्या काम करती है, विभिन्न फसलों के लिए MSP के बारे में सरकार को सजेशन करती है। ठीक है, फॉर दोज आइटम्स प्रोक्यूर्ड बाय, कौन से आइटम के लिए MSP सजेस्ट करेगी, वे आइटम जिसकी खरीद दो संस्थाएं करती हैं सरकार की, एक FCI और दूसरा NAFED। NAFED का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन। ठीक है, ये जो FCI है ये फूड ग्रेन्स खरीदती है, FCI केवल फूड ग्रेन्स खरीदती है, माने राइस खरीदेगी, बीट खरीदेगी, ज्वार खरीदेगी, बाजरा खरीदेगी, रागी खरीदेगी, सोर्गम खरीदेगी। ठीक है, फूड ग्रेन्स खरीदेगी। और NAFED पल्सेस एंड ऑयल सीड खरीदती है सरकार की ओर से, ये आपको ध्यान रखना, सब कुछ FCI ही खरीदती। ये दोनों लोग मिलकर के जितने आइटम खरीदते हैं उनका MSP सजेस्ट करने का काम करती है CACP। बात समझ में आ गई, चलिए बहुत बढ़िया। अब ये जो CACP है किसने सजेशन दिया, ये सजेशन किसको जाता है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये सजेशन किसके पास जाएगा, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये कैबिनेट कमिटी हम लोग पॉलिटिक्स में जो इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो इस कमिटी के पास जाएगा CACP का सजेशन। फिर सी ये वाली जो कमिटी है ये उसमें यदि कुछ आवश्यक फेरबदल करने होंगे तो करेगी, अदरवाइज एज इट इज उसको अनाउंस कर देगी। आपको यह ध्यान रखना परीक्षा में क्या पूछा जाता है, हु अनाउंस्ड MSP, ऑब्वियसली कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। हु सजेस्ट MSP, कैबिनेट ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। बात दोनों अलग अलग है, बात समझ में आ गई। चलिए अब ये जो अनाउंसमेंट किया जाता है MSP का, ये कब किया जाता है, बिफोर सोइंग इन ईच क्रॉप सीजन। हर फसल सीजन के में फसल होने से पहले सरकार MSP तय कर देती है और उसको अनाउंस कर देती है। अगर रबी फसल है माने शीतकालीन फसल है तो शीतकालीन फसल जैसे गेहूं, तो गेहूं की बुवाई प्रारंभ होने से पहले MSP तय कर दिया जाएगा। उसी प्रकार खरीफ में जैसे धान है तो धान की बुवाई से पहले सरकार MSP तय करती है। इज इट क्लियर, तो MSP हमेशा अनाउंस किए जाते हैं, तय किए जाते हैं बिफोर दी सोइंग ऑफ ईच क्रॉप सीजन। ठीक, और हमारे यहाँ दो क्रॉप सीजन है आपको मालूम है, रबी और खरीफ। ठीक, यानी साल में दो बार MSP तय किए जाते हैं, लेकिन एक प्रकार के क्रॉप सीजन के लिए साल में एक बार, क्योंकि एक साल में दो क्रॉपिंग सीजन होते हैं, रबी और खरीफ। ठीक, बात समझ आ गई। लेकिन अगर खरीफ के लिए ही MSP अनाउंस करना है तो फिर उसमें पूरा साइकिल एक साल लगेगा। इज दैट क्लियर, तो पूरे कॉन्सेप्ट को आपको समझ लेना है। अब हम देखते हैं लिस्ट कि वर्तमान में कितने प्रोडक्ट्स के लिए MSP डिक्लेयर किया जाता है। तो वर्तमान में 25 आइटम्स के लिए MSP तय किया जाता है। ठीक, बात तो समझ में आ गई। ये 25 आइटम को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं,
यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि फॉर हाउ मेनी मैंडेटेड क्रॉप्स एमएसपी इज डिक्लेयर्ड, योर आंसर विल बी 21. फॉर हाउ मेनी नॉन मैंडेटेड क्रॉप्स योर आंसर विल बी 3. इज इट क्लियर? तो यदि हम इन दोनों को मिला के देखें तो एमएसपी 24 प्रोडक्ट के लिए, 24 आइटम्स के लिए डिक्लेयर किया जाता है, और एक है सुगर केन जिसके सरकारी प्राइस को, जिस कीमत पर सरकार खरीदती है उसको हम एमएसपी ना कह करके फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस बोलते हैं, एफआरपी. सुगर केन की सरकारी कीमत, जिस कीमत पर सरकार खरीदती है उसको हम एमएसपी नहीं कहते, हाउएवर वो लगभग एमएसपी के ही समान है, उसका नाम चेंज है, उसको बोला जाता है एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस. इज इट क्लियर? तो यदि एमएसपी पूछा जाता है तो वास्तव में 24 प्रोडक्ट के लिए ही एमएसपी डिक्लेयर किया जाता है. हाउएवर यदि सरकार कितने प्रोडक्ट के लिए कीमत तय करती है, यदि ऐसा आ जाए परीक्षा में, तो वो हो जाएगा आपका 26. कितने? 26. कैसे? 21 और 3 24 तो ये हो गए, एक हो गया सुगर केन 25, और 26वें नंबर पे आ जाएगा आपका माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इसमें लिए भी सरकार एमएसपी तय करती है. मेरी बात समझ आ गई आपको? तो टोटल 26 आइटम्स के लिए सरकार एमएसपी तय करती है, जिसमें से हम यहां पर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को शामिल नहीं करते क्योंकि एग्रीकल्चर है, और सुगर केन के लिए एमएसपी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, उसके लिए एफआरपी शब्द का प्रयोग किया गया है. तो 24 आइटम के लिए एमएसपी तय की जाती है. अब ये 24 में से हम देखेंगे कि एक तो हमने अलग कर दिया, 25 में से एफआरपी है वो एमएसपी है, उसको अलग कर दिया, बच गए 24. तो 24 को हम दो भागों में बांट लेते हैं, 21 मैंडेटेड है और 3 नॉन मैंडेटेड. मैंडेटेड का मतलब ये हर साल रेगुलरली इन पर किया ही जाएगा, ये नॉन मैंडेटेड है, हो सकता है किसी साल इस पर किया जाए किसी साल ना किया जाए, ठीक है, ये इस प्रकार की चीज है. अब मैंडेटेड है उसको हम लोग, मैंडेटेड को भी हम लोग 5 भागों में बांटते हैं. एक है खरीफ, खरीफ की फसलें, दूसरा रबी की फसलें. खरीफ में 19 है, सॉरी खरीफ में 14 फसलें खरीफ है जिनमें से सरकार उनका एमएसपी तय करती है. अब ये 14 खरीफ की फसलें कौन कौन सी है मैं एक बार नाम बता देता हूं आपको ध्यान रखना है. पैड़ी यानी धान, ज्वार, रागी, बाजरा, मेज यानी मक्का, तूर या अरहर, मूंग जिसको हम लोग ग्रीन ग्राम भी कहते हैं, मूंग, उड़द जिसको ब्लैक ग्राम भी कहा जाता है, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, सनफ्लावर सीड माने सूर्यमुखी के बीज, सोयाबीन, सेसम माने तिल, काला तिल, नाइजर सीड, एक नाइजर सीड होती है जिससे तेल निकाला जाता है, और फिर कॉटन, कपास. आप गिनती गिन लेंगे, ये 14 खरीफ की फसलें हैं. 5 रबी की फसलें हैं जिस पर सरकार एमएसपी तय करती है. वो 5 रबी की फसलें हैं वीट, मस्टर्ड, सैफ्लावर, ग्राम और लेंटिल. लेंटिल माने मसूर. तो ये हो गए 14, 5, 19. 20वें नंबर पे है कोबरा. कोबरा माने खोपरा, और खोपरा माने नरियल का, नरियल के अंदर का जो निकलता है आइटम उसको कोबरा बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, कोबरा. इसके बाद में है नीचे रॉ जूट. रॉ जूट का मतलब है जूट जो हम लोग जानते हैं पटसन, ठीक है, जो बांग्लादेश में और हमारे यहां वेस्ट बंगाल में होते हैं जिसका बोरा वगैरह बनता है, तो रॉ जूट. और तो मैंने आपको बताया था कि मैंडेटेड में जो है कितने हो गए 21, तो आप गिन लें 14 ये हो गए, 5 ये हो गए 19, और कोबरा 20 और रॉ जूट 21 और 1 टोबैको है, पर टोबैको को यहां गिनती हम इसलिए नहीं गिनेंगे क्योंकि टोबैको की हमने गिनती यहां पर कर ली है. मेरी बात समझ आ गई आपको? तो ये 21 मैंडेटेड क्रॉप है, 3 नॉन मैंडेटेड क्रॉप है, और 1 एफआरपी है जिसका जो है सुगर के. अब नॉन मैंडेटेड में जिनका एमएसपी सरकार तय करती है वो है 3 प्रोडक्ट, डीएचसी. डीएचसी का मतलब है डी हस्क्ड कोकोनट. डी हस्क्ड कोकोनट, जटा वाला जो कोकोनट होता है जिससे बाद में रस्सी वगैरह बनती है उसको कहा जाता है डी हस्क कोकोनट. तोरिया और टोबैको,
ये तीन नॉन मैंडेटरी क्रॉप्स हैं। तो कुल मिलाकर के 25 आइटम के लिए, और बल्कि एक और अगर हम जोड़ दें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो 26 आइटम के लिए एमएसपी तय किया जाता है, जिनमें से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक अलग कैटेगरी है, उसके अंदर 49 प्रोडक्ट है। समझ में आ गई बात? जैसे लाख, रबर, ऐसे कई आइटम है उसके अंदर, ठीक। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को हम यहां नहीं रखेंगे, सुगर कैन एफआरपी तय किया जाता है यहां नहीं रखेंगे, 24 आइटम के लिए तय किया जाता है। 24 आइटम को 5 कैटेगरी में बांटा जाता है, एक रबी, दूसरा खरीफ, तीसरा कोबरा, चौथा राजूत और पांचवा टोबैको। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से हमारा ये एमएसपी का यहां तक जो है कंप्लीट हुआ। अब हम आगे देखेंगे एमएसपी तय करने की जरूरत क्या है, इसके क्या फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है। अब एमएसपी को क्लासिफाई करने का एक और भी तरीका है कि जो एमएसपी है वो टोटल चार ग्रुप के लिए अवेलेबल है, सेरल्स यानी अनाज, पल्सेस दाल, ऑयल सीड्स और अदर। इसमें कितने कितने नंबर पर दिए जाते हैं आपको ध्यान रखना है। 7 प्रकार के अनाज पर एमएसपी दिया जाता है, पेडी, वीट, बार्ले, ज्वार, रागी, मेज, बाजरा। पल्सेस 5 है, ग्राम, तूर, मूंग, उड़द, लेंटिल। ऑयल सीड्स 8 है, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, मस्टर्ड को ही अंग्रेजी में रेप सीड भी कहते हैं, यानी कि सरसों, ठीक है। फिर ये है आपका सनफ्लावर सीड, सनफ्लावर, नाइजर सीड, सोयाबीन, सेसम, तोरिया। और अदर में 6 है, कॉटन, रॉजू, टोबैको, कोपरा, डीहस्ट, कोकोनट और सुगर केन। तो ये टोटल इतने आइटम में एमएसपी दिया जाता है। एक क्लासिफिकेशन हम लोगों ने इसके पहले कर लिया। यदि आपसे पूछे रबी में कितने हैं, खरीफ में कितने हैं, तो आप पुराने टेबल से देख करके नंबर बता सकते हैं। यदि पूछ ले कि सेरल्स कितने हैं, पल्सेस कितने हैं, ऑयल सीड कितने हैं, तो आप ये बता सकते हैं। या इन्हीं चार कैटेगरी को आपको दे दिया जाए कि इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आप अरेंज कीजिए इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आइटम्स ऑयल सीड्स पे है, फॉलोड बाय सेरल्स पे है, फिर अदर पे है और फिर पल्सेस पे है। तो ये सारा एक तरीका है आपको ध्यान रखना है। चलिए अब डाटा कलेक्शन फॉर एमएसपी, एमएसपी इसके बाद हम लोग इसको बाद में देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्राइटेरियाज फॉर एमएसपी। एमएसपी तय करने का क्राइटेरिया क्या होता है? यदि सरकार ने ये डिक्लेयर किया कि गेहूं इस बार हम 2200 रुपए प्रति क्विंटल किसानों से खरीदेंगे, तो ये 2200 रुपए गेहूं का एमएसपी हो गया। लेकिन ये 2200 रुपए सरकार ने कैसे तय किया, उसके लिए कुछ फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर होता है डिमांड एंड सप्लाई। जिस भी प्रोडक्ट का एमएसपी तय किया जाना है उसका डिमांड एंड सप्लाई का कंडीशन क्या है, क्या डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। यदि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार ऊंचे लेवल पर एमएसपी तय करेगी। लेकिन डिमांड ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, सप्लाई डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो सरकार एमएसपी कम तय करेगी। तो ऐसे कई फैक्टर। ट्रेंड्स ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट प्राइस। जिस भी प्रोडक्ट का एमएसपी तय किया जाता है उसका डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे क्या प्राइस चल रहा है, ये भी देखा जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किसी फसल को उत्पादित करने में जिसका एमएसपी तय किया जाता है उसके प्रोडक्शन में टोटल कॉस्ट कितनी लगती है, इसको क्या लगते हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एम एस स्वामीनाथन ने कहा था कि सारे फैक्टर छोड़ दो और सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है आपको एमएसपी तय करने में वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर ध्यान देना है। और किसी भी उपज का जो एमएसपी है वो कितना होना चाहिए, जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 50% प्लस सम अदर फैक्टर। यानी स्वामीनाथन ने ये कहा था कि यदि मान लीजिए मुझे 100 रुपए लगा गेहूं के उत्पादन करने में, मैं एक किसान हूं और मुझे गेहूं उत्पादन करने में 100 रुपए लगा, तो किसान जो सरकार है वो उसका रेट तय करेगी 100 रुपया जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है प्लस 50% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी 100 रुपए का 50% माने 50 रुपए, ये हो गया 150 रुपए प्लस अदर फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। मान लीजिए वो अदर फैक्टर आता है 20, तो हो गया आप 170 रुपए एमएसपी तय करेंगे। यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 100 रुपए और यदि हमने एमएसपी तय किया 170 रुपए, यानी कितना हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 1.7 टाइम्स, ऐसा स्वामीनाथन ने कहा था। और स्वामीनाथन जी की बात को
किसी भी सरकार ने बहुत गंभीरता से नहीं लिया, और वर्तमान में जो सरकार एमएसपी तय करती है वो डेढ़ गुना है ऑफ ऑल फैक्टर्स। सारे फैक्टर्स को जोड़ दें तो जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है उसका डेढ़ गुना। तेरी बात समझ आ गई? अगर स्वामीनाथन के फॉर्मूले को हम फॉलो करते तो डेढ़ गुना केवल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस अदर फैक्टर, और वो हो जाता 1.7-1.8 टाइम्स हो जाता। लेकिन सरकार अभी जो आपको, मान लीजिए मैं फार्मर हूं और मुझे इस अनाज को उगाने में जितने सारे फैक्टर हैं उनका टोटल कॉस्ट का मुझे डेढ़ गुना मिलता है, केवल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का डेढ़ गुना नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। चौथी बात है, एमएसपी तय करते समय ये देखा जाता है इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी। इंटरक्रॉप माने मिलते जुलते फसलों के बीच में जो कीमत है उसको देखा जाता है, ठीक है। जैसे ज्वार का बाजरा के साथ कंपेरिजन किया जाएगा, उड़द का मूंग के साथ कंपेरिजन किया जाएगा, ताकि जो विभिन्न प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्टों के बीच में एक प्राइस की हायरार्की बनी रहे। कहीं ऐसा ना हो कि तूर का एमएसपी कम किया जाए और मसूर की एमएसपी ज्यादा कर दी जाए, जिसके कारण मसूर ज्यादा कीमत में सरकार खरीदेगी और तूर कम खरीदेगी, तो बाजार में तूर की कीमत कम हो जाएगी और मसूर की कीमत बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजों को भी सरकार को ध्यान में रखना पड़ता है। इसके अलावा टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में जो जिस भी प्रोडक्ट का एमएसपी तय की जाती है उसकी क्या स्थिति है, ट्रेड पॉलिसीज इन एग्रीकल्चर, किसी भी देश में एग्रीकल्चर की, खासकर इंडिया में क्योंकि हम इंडिया के एमएसपी की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज है। यदि बहुत सारी पॉलिसीज ऑलरेडी फार्मर्स को सहायता पहुंचाने के लिए है तो एमएसपी सरकार कम तय करेगी। इनपुट प्राइसेस और इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल, सरकार ये भी ध्यान रखती है कि कहीं हमारे एमएसपी ज्यादा डिक्लेयर करने से इन्फ्लेशन वगैरह ना आ जाए, इन सारी चीजों को सरकार ध्यान में रखती है। ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है, ये एंडलेस लिस्ट है, और भी बहुत सारे फैक्टर सरकार ध्यान में रखती है, मतलब सीएसीपी ध्यान में रखती है एमएसपी तय करते समय। जब ये सब कुछ हो जाता है तो इन सब चीजों के लिए उसको आंकड़े कहां से मिलते हैं, डाटा कहां से मिलते हैं, तो डाटा कलेक्शन फॉर एमएसपी ये काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में ही एक संस्था है जिसका नाम है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स। ये पूरे भारतवर्ष में इन सारे फैक्टर्स के से संबंधित आंकड़े जुटाती है और जुटाकर के लाकर के सीएसीपी को देती है। अब आपको लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो आंकड़े होते हैं ये 2 साल पुराने होते हैं। अगर 2019 के लिए सरकार को एमएसपी तय करना है तो वो 2017 के आंकड़े हमको लाकर के देगी, ठीक है, क्योंकि एक महीने में तो पूरे देश का डाटा कलेक्शन होना संभव नहीं है, तो 2 वर्ष का टाइम लैग होता है। तो 2 वर्ष के टाइम लैग वाले डाटा ये डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स सारा डाटा कलेक्शन करके सीएसीपी को देती है। सीएसीपी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करती है। मॉडिफिकेशन क्यों करती है, क्योंकि आपका 2 साल पुराना है और हमें एमएसपी 2019 के लिए तय करना है, तो उसमें कुछ अपने हिसाब से वो फॉर्मूले वगैरह से मॉडिफिकेशन करती है, और मॉडिफिकेशन करके अपनी सिफारिश भेज देती है सीसीईए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स पर, और फिर ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स उस पर एमएसपी अनाउंस कर देती है। तो ये सारे फैक्टर हो गए। अब पर्पज ऑफ एमएसपी क्या है, एमएसपी आखिर तय क्यों किया जाता है। पहला कारण है गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू हेल्प द फार्मर्स। फार्मर्स को उनके प्रोडक्ट की अच्छी कीमत मिले, इसलिए यह सरकार का एक हस्तक्षेप है बाजार में। दूसरा, अ सेफ्टी नेट फॉर फार्मर्स थ्रू अ गारंटी दैट इफ देयर प्रोड्यूस इज लेफ्ट अनसोल्ड इन द मार्केट गवर्नमेंट वी बाय, यानी अगर किसान ने जो फसल उत्पादित किया है और वो बाजार में नहीं बिक पाता है या बहुत कम कीमत पर मांगी जा रही है, तो किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है कि सरकार ने एक रेट तय कर दिया है, उस रेट पर आप एपीएमसी मंडीज पे जाइए और अपना वहां अपना प्रोडक्ट आप बेच दीजिए। टू इंसेंटिवाइज फार्मर्स टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स सो एज टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, किसानों को इस काम के लिए भी प्रोत्साहित करना, अगर किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य मिलेगा तो वो अगले साल और ज्यादा मेहनत करके कृषि में काम करेंगे, फसल का उत्पादन और अच्छा होगा, और इस प्रकार से इंडिया में फूड सिक्योरिटी बनी रहेगी, अकाल जैसी समस्याएं भारत में नहीं आएंगी। बफर स्टॉक फॉर पीडीएस एक्सेट्रा, सरकार अपने तरफ से कुछ अनाज का भंडारण करती है जिसकी खरीद एफसीआई करती है, इसको हम लोग बोलते हैं बफर स्टॉक। उन्हीं बफर स्टॉक में से सरकार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे हम लोग राशन की दुकान वगैरह कहते हैं, वहां से सरकार 1 रूपये 2 रूपये 3 रूपये किलो में विभिन्न प्रकार के राशन
जनता को देती है, तो सरकार को भी एक अनाज जो चाहिए होता है तो वो किसानों से एमएसपी के माध्यम से खरीद लेती है, तो सरकार के बफर स्टॉक की पूर्ति हो जाती है। और सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, अंत्योदय अन्न योजना, पीपीएल कार्ड धारक, इनको जो अनाज देने का काम करती है, तो सरकार की ये वाली रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाती है। इसके अलावा कभी अकाल पड़ जाए, भूखमरी पड़ जाए, फ्लड आ जाए, ड्रॉट आ जाए और फूड इनसिक्योरिटी आ जाए पूरे देश में, तो सरकार के पास एक ऐसा इतना स्टॉक होना चाहिए अनाज का कि वो ऐसी विकट परिस्थितियों में भी दूसरे देशों पर निर्भर ना रह करके अपने भंडार में से पूरे देश में खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित कर सके। तो एक ये सारे जो सरकार के पर्पज है एमएसपी तय करने के पीछे। इसके अलावा पांचवा पर्पज है सेटिंग अप अ बेंचमार्क प्राइस फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज। किसानों को ये मालूम ही नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट को बाजार में किस कीमत पर खरीदा जाएगा, लेकिन जब सरकार एमएसपी तय कर देती है तो कम से कम किसान को इतना तो मालूम है कि भैया गेहूं 22 रुपए से कम में नहीं बिकेगा, धान 15 रुपए से कम में नहीं बिकेगा, तो उनको एक बेंचमार्क प्राइस पता चल जाता है। अगर उससे कम कीमत में बाजार में कोई खरीदेगा तो उसी ले जाकर के सरकार को बेच देगा। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से ये एमएसपी का पर्पज है। अब यहां एक बात आपको ध्यान रखनी है, नो रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ दी आइटम्स इन एमएसपी लिस्ट। जैसे अभी एमएसपी 24 आइटम में एमएसपी दिया जाता है, कोई राज्य सरकार चाहे कि मैं 25 पे दूंगा, 26 पे दूंगा, 27 पे दूंगा, 28 पे दूंगा, नहीं कर सकती। इज इट क्लियर? जो लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है उसी पर एमएसपी राज्य सरकार भी दे सकती है। हालांकि राज्य सरकार उस एमएसपी में कुछ घटा सकती है या कुछ बढ़ा सकती है। यदि मान लीजिए सरकार ने गेहूं का 22 रुपए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने गेहूं की एमएसपी 22 रुपए तय की, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार 23 रुपए में खरीद रहा है, तो वो 1 रुपए एक्स्ट्रा स्टेट द्वारा उस फार्मर को दिया गया बोनस कहलाएगा, और केंद्र सरकार से तो 22 रुपए ही आएगा राज्य सरकार को। वो 1 रुपए एक्स्ट्रा जो राज्य ने दिया है उसको राज्य सरकार को अपने जेब से देना पड़ेगा, यानी अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से बियर करना पड़ेगा। तो यहां पर वही बात लिखी है, हाउएवर स्टेट कैन इंक्रीज और डिक्रीज बोथ एमएसपी, पर डिक्रीज क्या करेंगे, फार्मर का नुकसान है, इंक्रीज ही करते हैं, एज अ बोनस विच द स्टेट विल हैव टू बियर फ्रॉम हिज ओन फंड। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब एमएसपी के साथ प्रॉब्लम्स क्या है? एमएसपी के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। पहली बात तो यह है कि एमएसपी सभी प्रकार के क्रॉप्स और सभी प्रकार के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए तय नहीं किए जाते, जैसे उसमें अभी हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह शामिल नहीं है, ठीक है। तो जिन चीजों का एमएसपी तय किया जाता है किसान उन चीजों का उत्पादन ज्यादा करता है, बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देता, तो इससे एक प्रोडक्शन डिस्पैरिटी, प्रोडक्शन मिसमैच पैदा हो जाता है। इज इट क्लियर? जैसे अनाजों का उत्पादन अच्छा हो रहा है, सब्जी फल का उत्पादन कम हो रहा है, सब्जी फल इतने महंगे बिक रहे हैं, तो इस प्रकार से एक कमी तो एमएसपी की है। दूसरे, इसमें एमएसपी को डिटरमाइन करते समय और भी बहुत सारे फैक्टर्सों को इसमें शामिल करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है जब एमएसपी सरकार तय करती है तो धान की एमएसपी ज्यादा हो जाती है, गेहूं की एमएसपी कम हो जाती है, जो कि बिल्कुल डिस्पैरिटी है, सही नहीं है। हमेशा गेहूं की कीमत धान से थोड़ी ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से कई कमियां हैं एमएसपी में, और WTO भी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी भारत पर यह आरोप लगाता रहता है कि आप एमएसपी के नाम पर अपने किसानों को भारी मात्रा में सब्सिडी जो है वो देते हैं। तो इन प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए जो है एमएसपी, अब दूसरी तीसरी बात यह है एमएसपी के जो प्रॉब्लम है कि इसको एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज किया जाता है। अगर इलेक्शन वगैरह का समय है तो एमएसपी ज्यादा रखेंगे, इस प्रकार की बहुत सारी दिक्कतें एमएसपी पे है। आप लोग आराम से बैठ करके एमएसपी क्या है अगर आप समझ गए हैं और इन सारी बातों पर चिंतन करेंगे तो आपको एमएसपी की कमियां समझ में आ जाएंगी। अब हम उसके कुछ उपाय पर चर्चा करते हैं। नीति आयोग ने कहा कि एमएसपी को खत्म कर देना चाहिए और एमएसपी से मिलता जुलता एक नया सिस्टम लाना चाहिए जिसका नाम है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम, PDP। प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम का मतलब यह है कि पहली बात तो यह कि इसमें सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स के लिए एमएसपी तय किया जाएगा। इज इट क्लियर? एमएसपी तय कर दिया सभी प्रोडक्ट के लिए, जितनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, सैलेंस, पल्सेस, सबके लिए। इसके बाद हर किसान को यह खुली छूट होगी कि वो किसी भी बाजार में किसी भी व्यक्ति के पास, होलसेलर के पास जाकर के अपना प्रोडक्ट बेच दे। वो किसान जिस कीमत पर बाजार में अपना प्रोडक्ट बेचेगा उसको जो कीमत मिलेगी उसको हम बोलेंगे मार्केट प्राइस। इज इट क्लियर? अब सरकार एमएसपी तय करेगी
एमएसपी डिक्लेयर करेगी। मान लीजिए सरकार ने 22 रुपए एमएसपी डिक्लेयर किया वीट का, और किसान बाजार में गया और बाजार में उसने बेचा उसको 20 रुपए का, तो जितना मार्केट प्राइस है और जितना एमएसपी है उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे पीवीपी। कितना आया? 2 रुपया। कितना आया? 2 रुपया, है ना। 22 में से 2 चला गया, ठीक है। मतलब यहां पर आपको मैथमेटिक्स लिए नहीं सोचना है, जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटा वाले को घटाना है। अगर मार्केट प्राइस बड़ा है तो छोटे वाले एमएसपी उससे घटेगा, और एमएसपी ज्यादा है तो ये घटेगा, ठीक है। तो 2 रुपए जो प्राइस डिफरेंस आया इसी को बोला जाता है प्राइस डेफिशिएंसी पेनल्टी। अब सरकार क्या करेगी, ये जो 2 रुपया का डिफरेंस आया, ये 2 रुपया उस किसान के खाते पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये एमएसपी का एक नया फंड है, नीति आयोग ने इसको बताया। लेकिन यहां पर ये भी ध्यान रखना है कि सरकार आपके जो खाता है उसमें मैक्सिमम कितना पैसा डालेगी, मैक्सिमम 10% ऑफ एमएसपी। मैक्सिमम 10% ऑफ एमएसपी का मतलब सरकार ने यहां 22 रुपए गेहूं का मूल्य निर्धारित किया था, तो 22 रुपए का 10% हो गया 2 रुपए 2 पैसा, 2 रुपए 20 पैसा। यानी अगर आप बाजार में जाकर के गेहूं 15 रुपए किलो बेच आए और सरकार ने एमएसपी तय किया है 22 रुपए और आपका डिफरेंस आ गया 7 रुपए, और आप ये आशा लगाए बैठे कि सरकार 7 रुपए हमारे खाते में डालेगी, तो नहीं डालेगी। सरकार 2 रुपए 20 पैसा आपके खाते में डालेगी, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा इसलिए ताकि फार्मर भी अवेयर रहे कि एमएसपी क्या है और बाजार कीमत में हमें किस कीमत पर बेचना है, ठीक है। तो 22 रुपए है तो आप 20 रुपए तक ही बेच सकते हैं, उससे कम में बेचोगे तो फिर आपको घाटा होगा। तो ये प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट जो है, ऐसा इसलिए नीति आयोग ने कहा है कि एक तो एमएसपी की कुछ जो परेशानियां हैं इसमें वो दूर हो जाएंगी। कैसे दूर हो जाएंगी? सभी क्रॉप्स के लिए हमने डिक्लेयर कर दिया, ये पॉलिटिकल टूल के रूप में उपयोग नहीं हो पाएगा, वो जो डिस्पैरिटी पहले होती थी वो डिस्पैरिटी यहां पर नहीं रह पाएगी, इस प्रकार से। और इसका एक जो असली फायदा है वो है कि ये अलाइंड विद डब्ल्यूटीओ नॉर्म्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ नियम होते हैं सब्सिडी देने के लिए, एमएसपी तय करने के लिए। तो हमारा जो एमएसपी है उसकी डब्ल्यूटीओ निंदा करता है, लेकिन अगर हम पीवीपी वाला सिस्टम ले आएंगे तो वो डब्ल्यूटीओ के नियम के अनुसार ही है और हम डब्ल्यूटीओ की निंदा से बच जाएंगे। कैसे बच जाएंगे वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, जब हम लोग देखेंगे डब्ल्यूटीओ का एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जिसमें एमएसपी और डिफरेंट प्रकार की एग्रीकल्चर सब्सिडी की बात कही गई है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।